अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेंथ क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वन एक्सरसाइज 1.2 से बिलोंग करता है, और इसमें हम देखेंगे सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बेटे शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। तो उसमें एक जो था वो हमारा फैक्टराइजेशन था, और नेक्स्ट जो था वो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर था। तो हमने इन दोनों को जब वो देखा, और ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो ये कहाँ से आया, तो ये इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर की डेरिवेशन में से जब हम इसको जब कर सकते हैं कि ये डेरिवेशन है इसकी, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ ना, तो ये जब इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं इसको जब वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटे ये 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें बेटे देखिएगा कि a इज़ इक्वल्स टू 5, b इज़ इक्वल्स टू 8 एंड c इज़ इक्वल्स टू 1। तो फार्मूला बेटे हमारे पास ये है, x इज़ इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2 है। बेटे ये फार्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूले में बेटे हम जो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू हमारे पास बेटे 8 है, क्योंकि माइनस का साइन पहले था तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² जो वो 8 का स्केयर होगा, माइनस 4ac। तो 4 बेटे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू हमारे पास 5 है और c की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, तो ओवर 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट बेटे देखें, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 64, माइनस 4 5 20 21 20। तो बेटे इसमें ओवर 5 2 10, तो इसमें से बेटे देखें 64 में से 20 माइनस करेंगे तो 44 आएगा, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 44 ओवर 10 बेटे। तो 44 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इस फॉर्म में जो है वो 2 22 और 2 11 22, तो ये बेटे हमारे जो फैक्टर्स बनते हैं। फैक्टर्स में से हम देखते हैं कि जो हमारी कॉमन वैल्यू होगी हम उसको जब स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, अंडर रूट 11 जो अंदर रहेगा, तो इसमें से बेटे देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है माइनस 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 ओवर 10। इसमें से बेटे हम 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 10। तो बेटे ये 2 और 10 जो है वो ये आपस में कट जाएंगे, सेम टेबल में आते हैं, 2 1 2 2 5 10, तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5 बेटा ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरह से हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो बेटे इसका एक और पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, इसको ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें बेटे इस तरह से दिया हुआ है, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल स्केयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। बेटे इसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो अरेंज किया हमने माइनस एल एक्स स्केयर, सबसे पहले एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी, उसके बाद जो है वो एक्स की वैल्यू आएगी, और उसके बाद जो है वो सी वाली वैल्यू, हमारी जो कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू है वो वाली आएगी। तो बेटा इसमें a जो है वो माइनस एल है, b जो है वो 2l प्लस एम है, और c इज इक्वल्स टू माइनस इंटू एल प्लस एम है बेटे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेटे b की वैल्यू हमारे पास है 2l प्लस एम, जो बेटे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास है 2l प्लस एम होल स्केयर, तो माइनस 4 इंटू माइनस एल इंटू माइनस, ये c के साथ भी माइनस का साइन था, l प्लस एम। तो बेटे इस तरह से होगा कि जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे बी स्केयर वाली वैल्यू का, 2l प्लस एम 4l स्केयर प्लस एम प्लस 4lm, और ये देखिए बेटे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 4l आ जाएगा, माइनस 4l इंटू एल प्लस एम। और नीचे बेटे इसी तरह से 2a वाली जो वैल्यू थी हमारे पास माइनस 2l, तो इसके बाद बेटे हम देखते हैं कि हमारे पास 2l प्लस एम इंटू प्लस माइनस 4l स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस 4lm माइनस 4l स्केयर माइनस 4l। तो बेटा ये देखिएगा कि माइनस 4lm प्लस 4lm से कटेगा, और माइनस 4l स्केयर
प्लस फोर एल स्केयर से कटेगा। तो नेक्स्ट बेटे स्टेप में हमने जब इसकी कटिंग कर ली तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है बेटे वो एम स्केयर है, अंडर रूट एम स्केयर। तो बेटे जब हम इसका स्केयर रूट ख़त्म करेंगे तो ये एम बचेगा, स्केयर और अंडर रूट जब कट जाएगा तो माइनस टू एल प्लस एम प्लस माइनस एम ओवर माइनस टू एल। तो बेटे इसको हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जब बेटे हम प्लस में लिखेंगे तो माइनस एल, ये माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस टू एल माइनस एम प्लस एम, तो ये बेटे प्लस और माइनस कट जाएगा, माइनस टू एल बचेगा, माइनस टू एल ओवर माइनस टू एल, ये बेटे दोनों कटने के बाद वन आएगा हमारे पास। और जब हम माइनस के साथ इसको लिखेंगे बेटे तो ये होगा माइनस टू एल माइनस एम माइनस एम, तो बेटे ये माइनस टू एल माइनस माइनस ये दोनों प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, माइनस टू एल माइनस टू एम ओवर माइनस टू एल। तो इसमें से बेटे माइनस टू हम कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले माइनस टू से ये माइनस टू कट जाएगा तो नीचे एल बचेगा, ऊपर जो है एल माइनस एम। तो ये बेटे हमारे जो सोल्यूशन सेट में हम इसको जो आंसर दे देंगे। तो ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपने अपने नोट्स का जो इनको कॉपी कर लेना है। तो जजाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।